अंतिम समय दो शक्तियां ही काम करेंगी। क्वेश्चन, ओनली टू पावर्स विल वर्क एट द एंड। एक सामना करने की शक्ति, वन इज द पावर टू फेस, और दूसरी समाने की शक्ति, एंड अनदर इज द पावर टू विथ होल्ड। क्या ये दो शक्तियां ही विशेष हैं? आर ओनली दीज टू पावर स्पेशल? हाँ बाबा, यस, ये दो शक्तियां ही विशेष हैं। ओनली दीज टू पावर्स आर स्पेशल। और ये दोनों शक्तियां नदियों में होती हैं, शक्तियों में होती हैं, सरोवरों में होती हैं, नहरों में होती हैं, तालाबों में होती हैं, गड़ा गड़ियों में होती हैं, कुओं में होती हैं। इन एडिशन डू रिवर्स द शक्तिस लेक्स कैनाल्स पॉन्ड्स स्मॉल टैंक्स एंड पिट्स और वेल्स हैव बोथ दीज पावर्स? कहाँ होती हैं? What has these two powers? नदी नालों में, rivers and drains, students, the ocean, सागर में होती है। The ocean has them. सागर ज्ञान की लहरों के द्वारा बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर लेता है। The ocean confronts very big storms with the waves of knowledge. जितना जितना तूफान बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी ऊंची लहरें उठती है सागर में। The extent to which the storms keep rising, the higher the waves rise in the ocean. और सारे तूफान को अपने अंदर समा लेते हैं। And it merges all the storms in itself. तो सामना करने की शक्ति भी सागर में सबसे जास्ती है, और सहन करने की भी शक्ति जास्ती है। So the ocean has the power to face as well as tolerate the most. कितना भी बड़े से बड़ा शस्त्र क्यों न हो, एटम बम ही क्यों न हो, वो सागर को खत्म करेगा या आखिरी समा जाएगा। नो मैटर हाउ पावरफुल अ वेपन इज, नो मैटर इवन इफ इट इज एन एटम बम, विल इट डिस्ट्रॉय द ओशन और अल्टीमेटली गेट मर्ज्ड इन इट? समा जाएगा। इट विल गेट मर्ज्ड। कितना भी बड़े से बड़ा विष का भंडार क्यों न हो, वो विश्व का भंडार सागर में समा जाएगा या सागर को खत्म कर भस्म कर देगा। नो मैटर हाउ बिग अ स्टोर ऑफ पॉइजन देयर इज, विल इट मर्ज इन द ओशन और विल इट बर्न द ओशन टू एशेस? समा जाएगा। इट विल मर्ज इन इट। तो जो ज्ञान सागर का पार्ट है वो विशेष पार्ट है। सो द पार्ट ऑफ द ओशन ऑफ नॉलेज इज अ स्पेशल पार्ट। उस विशेष पार्ट में ये दो शक्तियाँ विशेष हैं। These two powers are special in that special part. ऐसे तो पूरा सागर ही एक सागर है। As such, the whole ocean is one. लेकिन द्वापर कलयुग में उसको खंड खंडों में बांट दिया गया है। But in the copper and the iron age, it has been divided into different parts. चैतन्य रूप में कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। In the living form, it will be said for Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, and so on. स्थूल रूप में कहेंगे सात सागर। In the physical form, it will be said for the seven oceans. नाम तो याद है ना? You do remember their names, don't you? हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये महासागरों में सारा सागर बांट दिया गया। The Indian Ocean, the Arabic Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean, the Antarctic Ocean, the entire ocean is divided into these oceans. ज्ञान की भाषा में ये सप्तऋषि ही महासागर बन जाते हैं। In the language of knowledge, these seven sages themselves become those oceans. जो limited हैं, they are limited. Unlimited तो एक ही सागर है। Only the one ocean is unlimited. जिसको सात भागों में विभक्त कर दिया गया। It has been divided into seven parts.